आगरा में ताजमहल के ईस्ट गेट के पास आपको मैकडॉनल्ड्स का बहुत ही बढ़िया आउटलेट मिल जाएगा। आगरा के ताजमहल के ईस्ट गेट के पास जितने भी रेस्टोरेंट और कैफे हैं सबके रेट्स बहुत हाई हैं। आगरा के TDI मॉल के पास ये जो मैकडॉनल्ड्स है यहाँ के रेट्स बहुत ही सही हैं। आप कम रुपए देकर भी आराम से अपना पेट भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। 50 रुपए के अंदर आपको बढ़िया सा बर्गर मिल जाएगा। वही आप बर्गर किसी रेस्टोरेंट्स और कैफे में खाएंगे तो आपको 200 से 250 रुपए तक का खर्चा आएगा। मैकडॉनल्ड्स यहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हॉटस्पॉट है। यहाँ पे आप बढ़िया बर्गर इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कॉम्बो ऑफर्स भी मिल जाते हैं। ऑर्डर आप यहाँ पे टच स्क्रीन पे खुद ही दे सकते हैं। ऑर्डर देने पे कोई प्रॉब्लम होने पे यहाँ के एम्प्लॉयज आपकी हेल्प कर देंगे। यहाँ के इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे हैं, ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल रेट्स में खाना मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हमेशा ज्यादा ही भीड़ मिलेगी और यहाँ पे फॉरनर्स भी बहुत आते हैं क्योंकि ये ताजमहल ईस्ट गेट के पास में ही है। ये वाला मैकडॉनल्ड्स आगरा के रेडिसन होटल के पास TDI मॉल के अंदर है। अगर आप आगरा के ताजमहल के ईस्ट गेट के इलाके में हैं और आपके खाने का बजट ज्यादा नहीं है तो आप सीधे TDI मॉल के मैकडॉनल्ड्स में आ जाइए। यहाँ पे आपको कम पैसे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फूड मिल जाएगा। आगरा का व्यू पॉइंट यहाँ से एकदम पास में ही है, 2 मिनट की वॉकिंग करके आप वहाँ पे आराम से पहुँच। अब आपको यहाँ से सीधे आगरा के व्यू पॉइंट ले चलते हैं। आगरा का व्यू पॉइंट सेल्फी लेने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। आप देख सकते हैं किस तरह रंग बिरंगे छातों को टांग के सेल्फी पॉइंट को सजाया गया है। यहाँ पे हमेशा रोमांटिक सॉन्ग्स बजते रहते हैं, इसलिए यहाँ का माहौल हमेशा अच्छा रहता है। इस जगह पे एंट्री करने के लिए जो 10 से 20 रुपए लिया जाता है वो मुझे सही नहीं लगता है। ये जगह इवनिंग वॉकिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। ये जगह बेहतरीन है सेल्फी लेने के लिए, चाय पीने के लिए और शाम को टहलने के लिए। यहाँ पे आपको बैठने के लिए बहुत सारी बेंचेस भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। सेल्फी पॉइंट काफी बड़ी और खुली जगह है। G20 के बाद इसे और भी अच्छे से सजा दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको बहुत अच्छे स्पॉट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से आगरा का फेमस चौपाटी पास में ही है। आगरा की फेमस चौपाटी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा।